बजट से 13% ज्यादा बजट पेश किया गया है। राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने का अनुमान है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 7,731 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। खेल के लिए 394 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। परिवहन विभाग के लिए 2,865 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। श्रमिक कल्याण के लिए 18,023 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नागरिक उड्डयन के लिए 184 करोड़ रुपए। बिजली के लिए 7,089 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2021-22 में किया गया है। वहीं बिजली की अगर बात करें तो 7,089 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इस बजट में यह भी कहा गया कि यमुनानगर सिरसा कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। SYL निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अंत्योदय के आधार पर यह बजट तैयार किया गया, जो दावा हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर यह बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह बजट देश की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित है। आपको बता दें कि इस बजट में किसी तरह का कोई अतिरिक्त कर आम लोगों पर नहीं लगाया गया है, यानी कि यह बजट जो है कर मुक्त है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनिए जरा। मैं बजट अनुमान 21-22 में 18,410 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमान 2020-21 के 15,629 करोड़ रुपए से 17.8% अधिक है। 18,410 करोड़ रुपए में से 9,000 करोड़ रुपए प्राथमिक, 6,899 करोड़ रुपए माध्यमिक, 2,793 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए।